तो चलिए आज हम आप सबके लिए एक डिजाइन लेके आए हैं। ये एक ही लाइन की डिजाइन है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेन बना के रखी हुई, क्रोशे पे धागा ले लेंगे। तो एक दो तीन चेन छोड़ते हुए चौथी वाली चेन पे जाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे। पहली लाइन हम यहाँ पे डबल क्रोशे बनाते हुए हर एक चेन पे यहाँ पे कम्प्लीट करेंगे। इस लाइन को हमें दोहराना नहीं है। चलिए ये लाइन कंप्लीट करती हूँ, पहले डबल क्रोशे बनाते हुए। लाइन कंप्लीट हुई हमारी, एक दो तीन चेन लेंगे, पलट जाएंगे, सेकंड चेन पे डालेंगे, एक डबल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से हमारी दो डबल क्रोशे हो गई। फिर एक और दो चेन लेंगे, क्रोशे पे धागा ले लें, फिर एक और दो चेन छोड़ते हुए तीसरी वाली चेन पे हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन फिर से इसी जगह पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से दो चेन लेंगे, क्रोशे पे धागा ले लेंगे, यहां से स्कीप करेंगे, एक दो और तीसरी वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, एक डबल क्रोशे, फिर उसकी अगली वाली चेन पे डालेंगे डबल क्रोशिया, फिर इसकी अगली वाली चेन में डालेंगे डबल क्रोशिया, फिर से उसकी अगली वाली चेन पे डालेंगे डबल क्रोशिया, फिर से उसकी अगली वाली चेन पे डालेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से अलग अलग चेन पे डालते हुए हमें टोटल पांच डबल क्रोशिया बनाना है। फिर दो चेन लेंगे, फिर से नीचे से एक और दो चेन छोड़ेंगे जिसमें हमारा ये डबल क्रोशिया बना हुआ। इस चेन को छोड़ते हुए एक और दो, तीसरे नंबर चेन पे जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, सेम चेन पे डालते हुए फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो चेन लेंगे, एक और दो चेन छोड़ते हुए फिर से तीसरी चेन में जाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए तो रिपीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। डिजाइन के लास्ट में आ गए, फिर एक दो चेन छोड़ेंगे, यहाँ पे डालेंगे तीसरी वाली पे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे और लास्ट वाली जो चेन है इसमें डालते हुए एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। फिर चेन बनाएंगे एक दो तीन, पलटना आपको, अब डिजाइन को पलटना हमें, ठीक है। ये डिजाइन यहाँ पे आ जाएगी और ये डिजाइन यहाँ पे चली जाएंगी। आप चाहे तो बॉर्डर लाइन जो हमने यहाँ पे दो रखी हुई है, आप चार भी रख सकते हैं, पांच भी रख सकते हैं, छह भी रख सकती है, आपकी मर्जी। साइड में आप कितना बॉर्डर लाइन रखना चाहती हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पहली बार भी बनाया था तो यहाँ पे दो चेन लिया था, अब आपको एक चेन लेना है। क्रोशे पे धागा ले लेंगे, अब चाहे चेन पे बनाए चाहे बीच में डाल के बनाए, ठीक है। इस तरह से लिया हमने, बीच पे डाल लिया एक डबल क्रोशिया। अब जो ये पहला डबल क्रोशिया दिख रहा है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो गए। अब एक इसके बीच में जहां हमने चेन ली थी इसके बीच में डालेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तीन डबल क्रोशिया हो गए। अब इस डिजाइन के ऊपर जो हमारी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक बना लेंगे, इस तरह से चार डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक इसके बीच में डालेंगे तो यहाँ पे हमारी पांच डबल क्रोशिया बनके रेडी हो गई, ठीक है। अब ये जो डिजाइन यहाँ पे आएगी, तो अब यहाँ पे दो चेन लेंगे, एक और ये दो, क्रोशिया पे धागा ले लेंगे, यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया दिख रही है आपको, तो एक दो छोड़ेंगे, तीसरे वाले यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। फिर लेंगे एक और दो चेन, क्रोशिया पे धागा लें, सॉरी, जब यहाँ पे ये डिजाइन हम बनाएंगे पांच डबल क्रोशिया वाले, तो यहाँ पे आपको एक चेन लेना है, ठीक है। या जब इस डिजाइन में आएंगे, अभी बनाना होगा, तब आपको यहाँ पे दो चेन लेना है, क्योंकि हमें दो चेन छोड़ते तीसरे चेन में बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे दो चेन ले रहे हैं। और जब भी पे हमें बनाना है ऐसा वाला डिजाइन, ये वाला, तो यहाँ पे नहीं लेना। देखिए यहाँ पे हमने एक ही चेन लिया, क्योंकि यहाँ पे डालते हुए हमें बनाना है। एक डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया होगी, एक भी के बीच में बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया हो गई, एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, चार डबल क्रोशिया होगी और एक यहाँ पे बना लेंगे पांच डबल क्रोशिया, ठीक है। जब इस डिजाइन में हमने यहाँ पे बनाया तो एक चेन लिया, ठीक है। अब इस डिजाइन में आएंगे तो यहाँ पे आपको दो चेन लेना है, एक और ये दो, क्योंकि यहाँ पे हम एक और दो चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली पे बनाएंगे वी डिजाइन, इसलिए हमें यहाँ पे दो चेन लेना है। बीच में एक चेन लेंगे, फिर सेम चेन पे डालते हुए एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर लेंगे एक चेन, अब यहाँ पे फिर से हमें ये डिजाइन यहाँ पे बनाना है, इसके बीच में यहाँ पे डाल लेंगे, चाहे तो आप चेन में भी बना सकती है। एक डबल क्रोशिया होगी, ये दूसरे डबल क्रोशिया, भी के बीच में बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया,
डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे होगी पांच डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेंगे, दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो बना लेंगे, ठीक है। पहली डबल क्रोशिया और इस चेन में डालेंगे यहाँ पे, ये हो गई दो डबल क्रोशिया। फिर से इस डिजाइन को आपको रिपीट करना है। ये डिजाइन अब यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और ये डिजाइन यहाँ पे चली जाएगी। तो एक बार और दिखा देते हैं आपको। एक दो तीन छह पलट लेना है आपको, क्रोशिया का धागा लेंगे यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, एक दो चेन लिया, क्रोशिया का धागा ले लें। अब इसके बीच वाला एक दो डबल क्रोशिया छोड़ देना, तीसरे वाले पे डालेंगे, यहाँ पे भी बनाना है आपको एक चेन, फिर से उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो एक चेन लेना है। अब ये डिजाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम उसी तरह से बनाना है, खाली फेर बदल कर लेना है आपको इधर से उधर। दो हो गई, फिर इसके बीच में बनाएंगे तीन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक, चार और एक बगल में बनाएंगे पांच, इस तरह से। तो दूसरे कलर से भी मैंने बना के रखा हुआ कुछ इस तरह से ही दिखेगी आपको, देखिए, ठीक है, थोड़ी सी चमक वाली बोली और ये नॉर्मल, इसमें कोई भी शाइनिंग नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।